Hello students, once again I want to welcome you all in our online training program that is Young Minds Academy. My name is Ritesh, I'm your English coach, and today I'm going to start the new chapter of your treasure trove, that is A Horse and Two Goats by Narayan. The full name of Narayan is R.K. Narayan. Before starting this story, I would like to give you a short introduction. इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले आई विल गिव यू अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन. द शॉर्ट स्टोरी अ हॉर्स एंड टू गोट्स, ये जो कहानी का नाम है अ हॉर्स एंड टू गोट्स बाय आर के नारायण, इज सेट इन अ फिक्शनल स्मॉल तमिल विलेज नेम्ड कृतम. ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिस गांव का नाम है कृतम, वेयर द प्रोटैगोनिस्ट, प्रोटैगोनिस्ट मीन्स द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी मुनि. और इस कहानी का मेन कैरेक्टर कौन है? मुनि है, जो कि उस गांव में रहता है. द विलेज कंसिस्ट ऑफ लेस देन 30 हाउसेस, और ये जो छोटा सा गांव है कृतम, इसमें 30 से भी कम घर हैं, एंड मोस्टली मेड ऑफ बैम्बू थैच, स्ट्रॉ एंड मर्ड, और मोस्टली खपड़ैल, मिट्टी, इन सब के बने हुए घर हैं. ओनली वन हाउस कॉल्ड द बिग हाउस, और इन घरों, इतने सारे घरों में सिर्फ एक ही घर को बिग हाउस कहा जाता है. क्यों? द हाउस ऑफ द विलेज चीफ, क्योंकि वो घर विलेज चीफ का है, एंड इट्स मेड ऑफ ब्रेक एंड सीमेंट, और वो पत्थर और सीमेंट का बना हुआ है. ये थी कहानी. अब इस कहानी को हमारे में हम पढ़ेंगे. Of these 700,000 villages, करीब 7,000 गांवों में, dotting the map of India, इंडिया में 700 मतलब 700,000 गांव हैं इंडिया के मैप्स में. तो यहां पर जो वर्ड dotting है, dotting का मतलब है mark with a small spot or spots. कृतम was probably the tiniest indicated on the district survey map by a microscopic dot. मगर ये जो कृतम है, ये जो गांव है, 700,000 villages में, उस इंडिया के मैप में जो गांव है उसमें कृतम एक बहुत छोटा सा डॉट है, और वो डॉट आपको बगैर माइक्रोस्कोप के नहीं दिख सकता. तो प्रॉबेबली का मतलब होता है मे बी, शायद, एक्सक्यूज मी. टाइनीस का मतलब वेरी स्मॉल, बहुत छोटा. इंडिकेटेड ऑन द डिस्ट्रिक्ट सर्वे मैप बाय माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप आप सबने शब्द का नाम सुना होगा, इसका मतलब होता है सो स्मॉल एज टू बी विजिबल ओनली विद अ माइक्रोस्कोप. इतना ज्यादा शॉर्ट, छोटा सा डॉट होता है कि विद बिगैर माइक्रोस्कोप की हेल्प के बगैर हमको वो दिखेगा ही नहीं. बट इट्स साइज डिड नॉट प्रिवेंट इट्स गिविंग इटसेल्फ द ग्रैंडियोस नेम कृतम, मगर इसके साइज से इसके नाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता. ग्रैंडियोस का मतलब ग्रेट, ग्रैंड, जिस गांव का नाम था कृतम, विच मेंट इन तमिल, जिसमें इस शब्द कृतम का मतलब तमिल भाषा में होता है कोरोनेट ऑफ क्राउन, एक राजा के सिर का ताज. ऑन द ब्रो ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट द विलेज कंसिस्टेड ऑफ लेस देन 30 हाउसेस, और इस गांव में 30 से भी कम घर थे. ओनली वन ऑफ देम बिल्ट विद ब्रिक एंड सीमेंट, और इतने सारे घरों में सिर्फ एक ही घर था जो कि बिग हाउस जिसे कहते थे, एक वो विलेज चीफ का था जो ब्रिक और सीमेंट, ईट सीमेंट बालू से जो बना हुआ था पक्का मकान, बाकी सब बैम्बू थाच, स्ट्रॉ, मड, इन सब से बने हुए थे. आगे बढ़ते हैं. पेंटेड अ ब्रिलियंट येलो एंड ब्लू ऑल ओवर विद गॉर्जियस कार्विंग्स, और वहां पे जो घर थे उन पे बहुत ही ब्यूटीफुली काफ किया गया था. काव मतलब नक्काशी की गई थी. कार्विंग्स का मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट और डिजाइन कट फ्रॉम अ हार्ड मटीरियल एज एन आर्टिस्टिक वर्क. ऑफ गॉड्स
and gargoyles on its balustrade. It was known as the big house. और वो जो घर था जिस घर पे ये डिज़ाइंस बनी हुई थी वो था बिग हाउस. ये वही बिग हाउस है जो कि विलेज चीफ का है और जो कि ब्रिक एंड सीमेंट से बना हुआ है. तो उस पर ये सारी डिज़ाइंस बनी हुई थी. द अदर हाउसेस, बाकी जो घर थे, डिस्ट्रीब्यूटेड इन फोर स्ट्रीट्स, वो चार सड़कों में बटे हुए थे. वर जनरली ऑफ बैम्बू थाच, और किस चीज़ के बने थे? बैम्बू थाच के. ये जो वर्ड बार बार आ रहा है थाच, THACH, इसका मतलब देख लीजिए, रूफ स्ट्रॉ मड एंड अदर अनस्पेसिफाइड मटीरियल, मतलब छत अलग अलग मटीरियल से खपराइल की बनी हुई थी. मुनीस वॉज द लास्ट हाउस इन द स्ट्रीट, और सड़क का सबसे आखिरी घर मुनी का था. बियॉन्ड विच स्ट्रेच द फील्ड, जिसके आगे मैदान था. तो अब आपको करेक्टर मुनी के बारे में पता चल चुका है. अब और हम जानते हैं मुनी के बारे में. इन हिज प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस का मतलब होता है फ्लरिशिंग फाइनेंशियली, जब मुनी बहुत पैसे वाला हुआ करता था. इन हिज प्रॉस्पेरस डेज मुनी हैड ओन्ड अ फ्लॉक ऑफ 40 शीप एंड गोट्स. तो जब मुनी के अच्छे दिन चल रहे थे तब मुनी के पास फ्लॉक मतलब झुंड, ग्रुप, करीब 40 शीप और गोट्स थी उसके पास. एंड सैलीड फोर्थ एवरी मॉर्निंग ड्राइविंग द फ्लॉक टू द हाईवे अ कपल ऑफ माइल्स अवे. और हर सुबह वो उन सारी शीप्स और गोट्स को हाईवे की तरफ लेकर जाता था. देयर ही वुड सिट ऑन अ पेडेस्टल, जहां पर वो उन शीप और गोट्स को लेकर जाता था वहां पर वो पेडेस्टल के ऊपर जाके बैठता था. अब पेडिस्टिल का मतलब समझ लीजिए क्या है. द बेस और सपोर्ट ऑन विच अ स्टैच्यू इज माउंटेड. आपने कोई मूर्ति देखी होगी, अगर वो मूर्ति जिस स्टैंड के ऊपर खड़ी है उस स्टैंड को हम लोग बोलते हैं पेडिस्टिल. अब वो जाके उस पेडिस्टिल पे बैठता था. अब वो पेडिस्टिल किस चीज का बना हुआ था? क्ले का बना हुआ था, CLAY. क्ले का मतलब अ स्टिफ स्टिकी डर्ट, एक गीली मिट्टी का बना हुआ था. स्टैच्यू ऑफ अ हॉर्स व्हाइल हिज कैटल गेज्ड अराउंड. अब वो किस चीज का स्टैच्यू था? वो एक हॉर्स का स्टैच्यू था, एक घोड़े का. वो जाके इसके ऊपर बैठ जाता था और बाकी उसकी जो शीप्स और गोट्स थी वो इधर उधर गेज करती थी. ही कैरीड अ क्रुक एट द एंड ऑफ अ बैम्बू पोल एंड स्टैप्ड फॉलेज फ्रॉम द एवेन्यू ट्रीज टू फीड इट्स फ्लॉक. और वो अपने पास क्या रखता था? एक क्रुक रखता था. क्रुक का मतलब समझते हैं, अ लॉन्ग एंड स्टर्डी स्टिक विद अ हुक एट वन एंड, ऑफन विद अ पॉइंट फ्लेट आउटवर्ड्स, यूज्ड बाय अ शेपर्ड टू मैनेज एंड समटाइम्स कैच शीप. एक स्टिक होती थी, उसके ऊपर एंड में एक ऐसे होल निकला होता था. ये शेपर्ड इस्तेमाल किया करते थे इसका शीप्स को जब वो ले जाते थे उनको मैनेज करने में, या कोई भाग रही है तो उसको पकड़ने में. फिर उसके बाद क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ अ बैम्बू पोल एंड स्नैप्ड. स्नैप्ड का मतलब टेंडर ग्रीन बीन्स. फॉलेज, फॉलेज का मतलब प्लांट लीव्स कलेक्टिवली, मतलब ऐसी जगह पर अपने जानवरों को वो छोड़ता था जहां पर उनके खाने के लिए प्लांट्स हो, बीन्स हो. From the avenue trees to feed his flock, पेड़ के avenue trees से होते हुए. He also gathered fagots. Fagots का मतलब समझ लीजिए क्या होता है. Fagots means a bundle of sticks bound together as fuel. घर पर खाना बनाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए जिस लकड़ी का इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं fagots. तो वो उन चीज़ों को भी इकट्ठा करता था. And dry sticks, bundle them, उन्हें इकट्ठा करता था, बांधता था. And carried them home for fuel at sunset. और शाम को उसको अपने घर लेके आता था ताकि उसको जलाकर और ड्रम स्टिक को खाकर वो अपना पेट भर सके. आगे जानते हैं मुनी के बारे में और थोड़ा बहुत. His wife lit the domestic fire. His wife, जब वो घर जाता था तो उसकी वाइफ आग जलाती थी. अब डोमेस्टिक फायर का मतलब समझ लीजिए, a fire burning in the hearth of a home.
घर की भट्टी या चूल्हे में आग जलाने को बोलते हैं डोमेस्टिक फायर। एट डॉन बॉइल्ड वाटर इन अ मड पॉट, सुबह वो आग जलाती, मड में पानी गर्म करती, थ्रू इट इंटू अ हैंडफुल ऑफ मिलेट फ्लावर, और हैंडफुल का मतलब अ क्वांटिटी दैट फिल्स द हैंड या फिस्ट, मुट्ठी भर के उसको मिलेट फ्लावर को बनाती, उसमें नमक डालती, एंड गेव हिम हिज फर्स्ट नरिशमेंट, और मुनि को उसका पहला खाना देती। तो नरिशमेंट वर्ड जो है इसका मतलब है द फूड और अदर सब्सटेंसेस नेसेसरी फॉर ग्रोथ, हेल्थ एंड गुड कंडीशन। मिलेट फ्लावर खाने से, बाजरा इसको आप हम लोग कहते हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो उस मुनि की वाइफ मुनि को यही खाने को देती थी फॉर द डे। व्हेन ही स्टार्टेड आउट शी वुड पुट इन हिज हैट अ पैक्ड लंच, और जब वो बाहर जाता था तो यही सेम चीज उसके लंच में भी पैक करती थी। वंस अगेन द सेम मिलेट कुक्ड इन टू द लिटिल बॉल, और वो उसको एक लिटिल बॉल में बना दिया करती थी। विच ही कुड स्वैलो विद अ रॉ अनियन एट मिड डे, और दिन में दोपहर में जब मुनि को लंच करना हो तो वो एक मिलेट फ्लोर की जो बॉल है उसको एक कच्ची प्याज के साथ खा सके। तो यहाँ पे रॉ का मतलब होता है अनराइप, अनकुक्ड, कच्ची, और मिड डे का मतलब द मिडल ऑफ द डे, नून, दिन का आधे का वक्त, दोपहर का वक्त। आगे देखते हैं। हिज फॉर्च्यून्स, फॉर्च्यून्स का मतलब हम सभी को मालूम होगा, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी और एसेट्स। हिज फॉर्च्यून्स हैड डिक्लाइंड ग्रेजुअली, मुनि की जो फॉर्च्यून थी उसकी जो एसेट्स थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, और वो क्या थी, 40 शीप्स एंड गोट्स। अननोटिस्ड फ्रॉम अ फ्लॉक ऑफ 40 विच ही ड्रोव इनटू अ पेन एट नाइट, और जो 40 हुआ करती थी एट नाइट, हिज स्टॉक हैड नाउ कम डाउन टू द टू गोट्स, और अब से उसके पास दो ही गोट्स बची हैं, विच वर टीदर्ड। टीदर्ड का मतलब बांध के रखना, इंग्लिश में देखते हैं, टाई एन एनिमल विद अ रोप और चेन सो एज टू रिस्ट्रिक्ट इट्स मूवमेंट, जानवर को रस्सी या चेन से बांध के रखना जो कि बंदी रहती थी, टू द ट्रंक, ट्रंक का मतलब समझ लेते हैं, द मेन वुडी स्टेम ऑफ अ ट्री एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ब्रांचेस एंड रूट्स, पेड़ का मेन तना, मेन स्टेम, उससे वो बांध के रखता था, ऑफ ड्रमस्टिक ट्री, और वो पेड़ कौन सा था, ड्रमस्टिक ट्री था, विच ग्रू इन फ्रंट ऑफ हिज हट, और वो पेड़ उसकी हट के ठीक सामने ही उगा हुआ था, फ्रॉम विच ओकेजनली मुनि कुड शेक डाउन ड्रमस्टिक, जिसमें से वो कभी कभार ड्रमस्टिक उस पेड़ को हिला के ले लिया करता था। दिस मॉर्निंग ही गॉट 6, और आज की सुबह उसको 6 ड्रमस्टिक मिली उस पेड़ से। He carried them in with a sense of triumph, और उसे वो 6 ड्रमस्टिक ऐसे अपने पास रखी जैसे उसने कोई जीत हासिल कर ली हो। ट्रायंफ का मतलब होता है अचीव अ विक्ट्री, ऑल्दो वन कुड से प्रिसाइसली हु ओन द ट्री, जबकि ये किसी को नहीं मालूम कि वो पेड़ किसका है, तो मुनि के घर के सामने था तो लगता था वो मुनि ही उसका मालिक है। इट वॉज हिज बिकॉज ही लिव्ड इन इट्स शैडो, और ये उसका इसलिए था क्योंकि वो उसकी छाव में रहता था। His wife said, मुनि की वाइफ कहती है, if you were content with the drumstick leaves alone, अगर तुम drumstick से संतुष्ट हो, I could boil and salt some for you, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ पानी और नमक तुमको दे देती हूँ। तो मुनि क्या कहता है, oh, I'm tired of eating those leaves, मैं थक चुका हूँ वो drumsticks खाते खाते। I have a craving मतलब a powerful desire of something, किसी चीज को खाने की तीव्र इच्छा, मुझे आई हैव अ क्रेविंग टू च्यू द ड्रमस्टिक आउट ऑफ सॉस, आई टेल यू, मतलब मैं सॉस के साथ कुछ खाना चाहता हूं। अब ये सुनने के बाद देखिए मुनि की वाइफ ने उससे क्या बोला, मुनि की वाइफ ने बोला, यू हैव ओनली 4 टीथ इन योर जॉ, तुम्हारे मुंह में सिर्फ 4 तो दांत है, बट योर क्रेविंग इज फॉर बिग थिंग्स, मगर तुम्हारी खाने की इच्छा बड़ी बड़ी चीजों की है। ऑल राइट, गेट द स्टफ फॉर द सॉस, ठीक है
सॉस मतलब आप कह सकते हैं साग जो हमारे घर में बनता है, ठीक है, जाओ उसके लिए सामान लेके आओ, एंड आई विल प्रिपेयर इट फॉर यू, जब तुम सामान ले आओगे तो मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। आफ्टर ऑल नेक्स्ट ईयर यू मे नॉट बी अलाइव टू आस्क फॉर एनीथिंग, जबकि अगले साल शायद तुम जिंदा ही ना रहो किसी भी चीज की डिमांड करने के लिए। बट फर्स्ट गेट मी ऑल द स्टफ, मगर पहले जाओ और सारा सामान लेके आओ, इंक्लूडिंग अ मेजर ऑफ राइस और मिलेट, द राइस चावल मिलेट बाजरा, एंड आई विल सेटिस्फाई योर अनहोली क्रेविंग, और जो तुम्हारी ये जो इच्छा है अनहोली क्रेविंग जो तुम्हें हो रही है, मैं ये सब सामान जब तुम ले आओगे तो मैं उसको सेटिस्फाई कर दूंगी। आवर स्टोर इज एम्प्टी टुडे, आज हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। दाल चिली करी लीव्स मस्टर्ड कोरिएंडर जिंजरली ऑयल एंड वन लार्ज पोटैटो, तो ये सारी सामान की लिस्ट मुनि की वाइफ ने मुनि को दिया लाने के लिए। गो आउट एंड गेट ऑल दिस, बाहर जाओ और सारा सामान लेके आओ। ही रिपीटेड द लिस्ट आफ्टर हियर इन ऑर्डर नॉट टू मिस एनी आइटम्स, उसने फिर से वो सारी लिस्ट दोहराई मुनि ने ताकि वो कोई भी लिस्ट में से कोई भी सामान भूल ना पाए। एंड वॉकड ऑफ टू द शॉप इन द थर्ड स्ट्रीट, और थर्ड स्ट्रीट पे जो दुकान थी राशन की वो वहां चला गया सामान लेने के लिए। मुनि सैट पेशेंटली ऑन एन अपटर्न्ड पैकिंग केस बिलो द प्लेटफॉर्म ऑफ द शॉप, हम जब दुकान पे कहीं जाते हैं तो आप देखा होगा सीमेंटेड का एक स्पेस बना रहता है, मुनि चुपचाप वहां पर गया और शांति से बैठ गया। द शॉप मैन पेड नो अटेंशन टू हिम, और वो जो शॉपकीपर था उसने मुनि की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मुनि केप्ट क्लियरिंग हिज थ्रोट कॉफिंग एंड स्नीजिंग until the shop man could not stand it anymore and demanded, what ails you? Muni khaasta raha, chheekta raha, taki wo shopkeeper ki attention apni taraf kheech sake, aur aakhir mein shopkeeper ko chilla ke bolna hi pada, what ails you? Ails, A-I-L-S, iska matlab samajh lijiye, of a problem or illness, cause pain or suffering to, affect or trouble, क्या चीज तुम्हें परेशान कर रही है, क्या बीमारी तुम्हें परेशान कर रही है, क्या तकलीफ है तुमको? यू विल फ्लाई ऑफ दैट सीट इन टू द गटर इफ यू स्नीज सो हार्ड, अगर तुम इतनी तेजी से छींकोगे तो तुम उछल के कहीं इस गटर में ना गिर जाओ। यंग मैन, और उसने क्या बोला, यंग मैन, उसे चिढ़ाने के लिए, जबकि मुनि बहुत बूढ़ा था। अब यंग मैन सुनते ही मान मुनि को हंसी आ गई। मुनि लाफ्ड इनऑर्डिनेटली, इनऑर्डिनेटली का मतलब एक्सेसिव एक्सट्रीम, बहुत कस के उसको हंसी आई। इन ऑर्डर टू प्लीज द शॉप मैन एट बीइंग कॉल्ड यंग मैन, शॉपकीपर ने जिसको यंग मैन बोला इसी बात पर उसको इतनी कस के हंसी आई। दिस कंप्लीटली वन द शॉप मैन ओवर, ही लाइक्ड हिज सेंस ऑफ ह्यूमर, और यह चीज शॉपकीपर को अच्छी लगी, उसको मुनि का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा लगा। अब ह्यूमर शब्द का मतलब क्या होता है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग अम्यूजिंग और कॉमिक, आप कुछ बोलें तो सामने वाला उससे एंटरटेन हो, उससे वो खुश हो, टू बी अप्रिशिएटेड बाय दिस ह्यूमरिंग द शॉप मैन, मुनि कुड ऑलवेज आस्क फॉर वन और टू आइटम्स ऑफ फूड प्रॉमिसिंग रीपेमेंट लेटर, और इसी ह्यूमर से जब शॉपकीपर थोड़ा हंसता खुश हो जाता था तो मुनि उससे एक दो आइटम और मांग लेता था और कहता था कि वो इसका पैसा उसको बाद में दे देगा। सम डेज द शॉपमैन वॉज इन अ गुड मूड एंड गेव इन, कुछ दिन शॉपकीपर शॉपमैन का मूड अच्छा होता था, वो सामान दे भी देता था, एंड समटाइम्स ही वुड लूज हिज टेंपर सडनली एंड बार्क एट मुनि फॉर डेयरिंग टू आस्क फॉर क्रेडिट, और कभी कभी क्या होता था, शॉपकीपर का मूड बहुत ज्यादा खराब होता था और वो मुनि पर चिल्ला देता था कि दोबारा कभी उधार मांगने की हिम्मत कोशिश भी मत करना। अब देखिए शॉपमैन ने क्या बोला, द शॉपमैन सेड इफ यू कुड फाइंड 5 rupees एंड अ क्वार्टर यू विल हैव पेड ऑफ एन एंशिएंट डेट, कहता अगर तुम्हारे पास 5 rupees एंड क्वार्टर होगा तो तुम अपना तुम्हारा पुराना कर्जा खत्म हो जाएगा। एंशिएंट का मतलब बिलोंगिंग टू द वेरी डिस्टेंट पास्ट
एंड नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, बहुत पुराना। हाउ मच हैव यू गॉट नाउ, अभी कितना पैसा तुम्हारे पास है? मुनि कहता है आई विल पे यू एवरीथिंग ऑन द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की पहली तारीख को मैं तुम्हारा सारा पैसा चुका दूंगा। एज ऑलवेज एंड होम डू यू एक्सेप्ट टू रॉक बाय देन, कहता हाँ जैसे कि हमेशा, शॉपकीपर कहता हाँ जैसे कि हमेशा तुम देते हो, और इस बार तुम किसके यहां चोरी करोगे? मुनि फेल्ट कॉट एंड मम्बल्ड, मुनि को बहुत खराब लगता है और वो बड़बड़ाता है। मम्बल्ड का मतलब से समथिंग इनडिस्टिंक्टली एंड क्वाइटली मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू हियर, वो विस्पर करता है। माय डॉटर हैज सेंट वर्ड दैट शी विल बी सेंडिंग मी मनी, मेरी बेटी ने मैसेज भेजा है कि वो मुझे कुछ पैसा भेज रही है। जैसे ही ये बात सुनता है शॉपकीपर तो बोलता है हैव योर डॉटर, क्या तुम्हारी बेटी भी है? स्नियर, स्नियर का मतलब स्माइल और स्पीक इन अ कॉन्टेंशियस और मॉकिंग मैनर, मजाक उड़ाने के लहजे में, तो तुम्हारी बेटी भी है। द शॉपमैन, एंड शी सेंडिंग यू मनी, वो तुम्हें पैसा भेज रही है। फॉर व्हाट पर्पस मे आई नो, और वो किसे भेज रही है? बर्थडे, 50th बर्थडे, सेड मुनि क्वाइटली, कहता है 50th बर्थडे, मेरा 50th बर्थडे आने वाला है उसके लिए। बर्थडे, कहता और शॉपकीपर कहता है बर्थडे, हाउ आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो? मुनि रिपीटेड वीकली, वो बहुत धीरे से बोलता है, नॉट बीइंग श्योर ऑफ इट हिमसेल्फ, उसको भी श्योर नहीं था कि उसकी एज क्या है, उसने बोला 50। He always calculated his age from the time of the great famine. वो जब एक बार बहुत भुखमरी हुई थी इस गांव में तो उससे वो कैलकुलेट करता था अपनी उम्र। When he stood as high as the parapet around the village well, but who could calculate such things accurately nowadays with so many famines occurring? जबकि अब तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स गांव में आती रहती है तो कैसे कोई अपनी एज कैलकुलेट कर सकता है? The shopman felt encouraged. अब जो शॉपमैन था वो अदर कस्टमर स्टूड अराउंड टू वॉच एंड कॉमेंट, जब बाकी के लोग भी खड़े होकर देखने लग गए तो शॉपमैन थोड़ा सा इनकरेज फील किया। मोर लाइकली यू वॉज 70, कहता है तुम तो 70 साल से भी ज्यादा के हो। शॉपकीपर ने मुनि से बोला यू ऑल्सो फॉरगेट दैट यू मैंशनड अ बर्थडे 5 weeks अगो वेन यू वॉन्टेड कैस्टर ऑयल फॉर योर होली बाथ, और तुम तो ये भी भूल गए कि 5 हफ्ते पहले तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है जब तुम मेरे पास कैस्टर ऑयल खरीदने आए थे। अब कैस्टर क्या होता है? अ रेडिश ब्राउन ऑयली सब्सटेंसेस सीक्रेटेड बाय बीवर्स यूज्ड इन मेडिसिन एंड परफ्यूम्स, एक तेल होता है। एट दिस मुनि अनऑप्टसली रोज एंड मूव्ड ऑफ, एट दिस मुनि अनऑप्टसिवली मतलब नॉट नोटिसबल, बगैर किसी को देखे दाखे मुनि वहां से उठता और चला जाता है। He later told his wife that scoundrel would not give me anything. बाद में अपनी वाइफ से बोलता है कि वो scoundrel, scoundrel मतलब a dishonest or rascal, वो बदमाश ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। So go out and sell the drumsticks for what they are worth. तो जाओ और बाजार में वो ड्रमस्टिक बेच दो जितनी उसकी कीमत हो। He flung himself down in a corner to recoup from the fatigue of his visit to the shop. और वो एक बूढ़ा आदमी था, वो इतनी दूर से चल के आया, वो थक जाता है, वो सहारा देने के लिए, सहारा के लिए खड़ा होता है। Flung का मतलब थ्रो और हर्ल फोर्सफुली, recoup means keep one's feet, fatigue means extreme tiredness or stress. वो दुकान से आया था तो बहुत ज्यादा थक चुका था। His wife said, "You are getting no sauce today, nor anything else. आज तुमको ना ही सॉस मिलेगा ना ही कुछ मिलेगा। I can't find anything to give you to eat. मुझे कोई भी चीज ऐसी नहीं मिल रही जो मैं तुम्हें दे सकूं खाने के लिए। Fast till the evening, शाम तक फास्ट रखो, व्रत रखो। It will do you good, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। टेक द गोट्स एंड बी गॉन नाउ, अपनी बकरियां लो और जाओ यहां से। शी क्राइड एंड एडेड, वो चिल्लाई और बोली डोंट कम बैक बिफोर द सन इज डाउन, जब तक सूरज डूब नहीं जाता तब तक वापस मत आना। ही न्यू दैट इफ ही ओबेड हर शी वुड समहाउ कंज्योर
अप सम फूड फॉर हिम इन द इवनिंग। मुनि जानता था अगर उसने अपनी वाइफ जो वो बोल रही है उसको मान लिया तो शाम तक वो खाने का कोई ना कोई जुगाड़ तो कर ही लेगी। तो यहाँ पे जो वर्ड आता है कंज्योर, इसका मतलब है मेक समथिंग अपीयर अनएक्सपेक्टेडली और सीमिंगली फ्रॉम नोवेयर एज इफ बाय मैजिक। ओनली ही मस्ट बी केयरफुल नॉट टू आर्ग्यू एंड इरिटेट हर। बस मुनि को इतना ही ख्याल रखना था कि उसको ना ही अपनी वाइफ से बहस करनी है ना ही उसको परेशान करना है। Her temper was undependable in the morning, but improved by evening time. उस मुनि की जो वाइफ का जो टेम्पर जो मूड होता था उसे सुबह तो बहुत ही गुस्सा आता था बस शाम होते होते वो नॉर्मल हो जाती थी। She was sure to go out and work. और वो बिल्कुल पक्का था कि वो बाहर जाएगी और काम करेगी। काम क्या करेगी? Grind corn in the big house. बिग हाउस में जाके उनके कॉर्न को ग्राइंड करेगी। स्वीप झाड़ू पोछा करेगी। स्क्रब समवेयर एंड अर्न इनफ टू बाय फूड स्टफ। इतना तो कमा ही लेगी जितना खाने के सामान के लिए पैसे की जरूरत है। एंड कीप अ डिनर रेडी फॉर हिम इन द इवनिंग। और शाम को उसके लिए डिनर तैयार रखेगी। ये था हमारा पार्ट वन। कल हम लोग इसके आगे की स्टोरी कंटिन्यू रखेंगे। ऑलराइट, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।